Good morning, students. I hope you are all fine. So today we are here for our next chapter of TVS, which is year to year. In our previous chapter, we learned about how children go to school by different ways at different places. अलग-अलग जगह पे students कैसे अपने school तक पहुँचते हैं. In this chapter, we will learn about animals. So for animals can be classified into four types. Animals को हम four types में classify कर सकते हैं. First is insects, second are reptiles, third is mammals and fourth birds. तो हम इन four types में animals को classify कर सकते हैं. Insects कौन से होते हैं? Animals who have 6 feet. जिन एनिमल्स के 6 feet होते हैं वो क्या होते हैं? इंसेक्ट्स. रेप्टाइल्स विच कैन क्रॉल. क्या होता है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, सिर्फ क्रॉल करते हैं. वो क्या? अपने स्टमक के थ्रू मूव करते हैं. एंड मैमल्स कौन से होते हैं? द एनिमल्स हु कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड दे कैन feed them. And birds who have wings, animals who have wings and can fly. आप तुमको पता है birds क्या करते हैं? Fly करते हैं. उनके पास wings होते हैं. तो इन four types के animals के ears के बारे में, क्योंकि ears कैसे कैसे अलग अलग shape के size के होते हैं and उनके skin pattern के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो हमारा चैप्टर नेम है ईयर टू ईयर. सो व्हाट इज ईयर? ईयर इज अ सेंस ऑर्गन व्हिच हेल्प अस टू हियर साउंड्स. क्या करता है ईयर? हमें हेल्प करता है साउंड्स को सुनने में. सो वी विल लर्न मोर अबाउट एनिमल ईयर इन दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक. So students, in this chapter year to year we have many animals. There are a lot of animals in this picture, you can see. So kya hai upar? Who has got my ears? Ye jo animals hain ye pooch rahe hain ki mere ears kisne le liye. So yahan pe kya hai is picture mein? Aap alag alag animals ne एक दूसरे के साथ अपने ईयर्स को एक्सचेंज कर लिया है. मींस जो इस जिसने भी ये पिक्चर ड्रॉ की है उसने अलग अलग एनिमल्स के रॉन्ग ईयर्स को ड्रॉ कर दिया, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया है. सो आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी? ये एनिमल्स फनी लग रहे हैं? यस, दे आर लुकिंग वेरी फनी. The artist has drawn wrong ears on the head of the animals. Give correct ears to the animals in the space given below. अब आपको एक टेबल दी है और आपको पूछा है कि आपको कौन से एनिमल्स के कौन से ईयर है, किसने लगा लिए हैं, कौन से एनिमल ने लगा लिए हैं. तो वो आपको इस पिक्चर को देख के बताना है. फर्स्ट क्या है? एलिफेंट. एलिफेंट ने किसके लगा लिए ईयर्स? माउस के. एलिफेंट ने किसके ईयर्स लगाए हैं? माउस के. और सेकेंड रैबिट. रैबिट ने किसके लगाए हैं? जिराफ के. ये दिख रहे हैं ना येलो येलो कलर के, जिराफ है येलो. एंड थर्ड है माउस. माउस ने किसके लगा लिए हैं? डॉग के ईयर्स. और जिराफ ने, जिराफ ने किसके लगाए हैं? एलिफेंट के. एंड डॉग ने किसके लगाए हैं? रैबिट के. एंड बफेलो, बफेलो ने किसके लगा लिए हैं? डियर के. और डियर ने बफेलो के. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझ आया कौन से एनिमल ने किस किस के ईयर्स लगा लिए हैं. सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स
Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animal can you not see the ears? Write in the table below. यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें कि आपको बताना है इन एनिमल्स में से कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं और जिनके हम नहीं देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ईयर्स ऑफ एनिमल्स कैन बी ईदर लार्ज और स्मॉल. रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स, एलिफेंट्स हैव ईयर्स लाइक फैंस, स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स एंड दे रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन. जो स्नेक्स होते हैं उनके कोई ईयर्स नहीं होते. ईयर्स नहीं होते मतलब उन्हें हमें दिखाई नहीं देते वो ईयर्स, और क्या सिर्फ वाइब्रेशंस को फील करके वो रिएक्ट करते हैं. लाइक फिशेस हैव इनर ईयर्स, बर्ड्स हैव नो एक्सटर्नल ईयर्स, देयर ईयर ओपनिंग्स आर बीनीथ देयर फीदर. जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते. वो क्या करते हैं, उनके सिर्फ फीडर्स के पीछे मतलब फीडर्स के अंदर कुछ ईयर होल्स होते हैं, सिर्फ उसी से उन्हें सुनाई देता है. अब हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे. सो फर्स्ट हमें ये एक टेबल दी है, एनिमल्स हूज ईयर्स वी कैन सी. इन एनिमल्स में से जो एनिमल्स नेम दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं. फर्स्ट है डियर, तो डियर के आप देख सकते हो ईयर्स, डियर के तो हम देख सकते हैं. सेकंड है टाइगर, यस टाइगर के भी देख सकते हैं. थर्ड पिग, पिग के भी हम देख सकते हैं. फोर्थ फ्रॉग, फ्रॉग के नहीं देख सकते. तो फ्रॉग कहाँ आएगा, एनिमल हूज ईयर वी कैन नॉट सी. फ्रॉग यहाँ आएगा. स्पैरो, स्पैरो की बर्ड है, उसके भी ईयर्स हम नहीं देख सकते, तो वो भी इधर टेबल में आएगा. डक, डक के देख सकते हैं, नो. एंट, एंट के भी नहीं देख सकते हैं. स्नेक, स्नेक के नहीं देख सकते. एलिफेंट, एलिफेंट के हम ईयर्स देख सकते हैं. क्रो, क्रो के हम देख सकते हैं, नो. लिजर्ड, लिजर्ड के देख सकते हैं, नो. कैट, कैट के हम देख सकते हैं, यस. डू यू थिंक दैट द एनिमल हूज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? अब क्या पूछा है आपसे कि जिन एनिमल्स के ईयर्स हम नहीं देख सकते, तो आपको क्या लगता है कि उनके ईयर्स होते हैं या नहीं होते? लेट अस ऑब्जर्व द पिक्चर. आपको एक पिक्चर दी है, इसमें आपको बताना है कि ये कौन कौन से बर्ड्स हैं. तो कौन कौन से हैं, ये क्या है, हैं. सेकेंड दिस वन इज स्पैरो, दिस इज पैरट, एंड दिस इज डक, दिस इज क्रो, एंड दिस इज फ्रॉग. सो देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स. सो स्टूडेंट्स, नेम द, आपसे पूछा गया नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर्स. हमने अभी बताया कौन कौन से बर्ड्स हैं. कैन यू सी देयर ईयर्स, क्या आपको इनके ईयर्स दिखाई दे रहे हैं? नो. क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी बर्ड्स होते हैं उनके ईयर्स कहाँ होते हैं, उनके ईयर होल्स होते हैं सिर्फ, और वो कहाँ होते हैं, फेदर्स के अंदर, फेदर्स के पीछे, तो वो उसी से सुनते हैं. सो नेक्स्ट, दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम. उन सब के पास ईयर्स होते हैं पर फिर भी हम उन्हें नहीं देख सकते. सो नेक्स्ट है, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी. राइट देयर नेम्स. ऐसे कुछ और एनिमल्स के नेम बताओ जिनके ईयर्स होते हैं पर हम उन्हें नहीं देख सकते.
कौन कौन से हैं? ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं उन सब के ईयर्स हम नहीं देख सकते. मॉस्किटोज, फ्लाई एक्सेट्रा, दीज ऑल आर क्या? जो भी बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके किसी के भी ईयर्स हम नहीं देख सकते. सो नेक्स्ट है एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैंस. तो फैंस की जैसे किसके ईयर होते हैं? कौन सा एनिमल है जिसके ईयर्स फैंस जैसे होते हैं? एलिफेंट. एलिफेंट के होते हैं फैंस जैसे दिखाई देते हैं ईयर्स. नेक्स्ट एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स. लीव्स जैसे किस कौन से एनिमल के ईयर्स दिखाई देते हैं? पत्तों जैसे. रैबिट के. रैबिट के दिखाई देते हैं. एन एनिमल्स विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड. ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके ईयर्स हेड के टॉप पे होते हैं? रैबिट के होते हैं. यस, एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड. ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स उनके हेड के दोनों साइड पे होते हैं? कौन से हैं? डॉग. डॉग के ईयर्स देखे आपने, दोनों साइड होते हैं हेड के. सो यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर. आप सबको पता है कि ईयर्स क्या करते हैं? हमें सुनने में हेल्प करते हैं. इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट. वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स. अ बर्ड हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड. जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फीदर्स. दे हैव द बर्ड टू हियर. मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि जो भी बर्ड होते हैं उनके कुछ ईयर होल्स होते हैं और वो क्या होते हैं? फीदर से कवर्ड होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते. सो नेक्स्ट है, ओके, फर्स्ट लाइन ये भी है. इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लिजार्ड के हेड पे भी कुछ टाइनी होल्स, मतलब छोटे छोटे होल दिखाई देंगे. दीज आर इट्स ईयर्स. वो क्या है? उसके ईयर्स. अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम इजीली. एक क्रोकोडाइल के भी ऐसे ही ईयर होते हैं. कैसे? मतलब टाइनी होल्स होते हैं पर हम उन्हें भी इजीली नहीं देख सकते. नाउ स्टूडेंट्स, एनिमल्स हैव स्किन ऑर्गन ऑल्सो. स्किन आर प्रोटेक्टिव लेयर्स. एनिमल्स में हैव हेयर, स्केल्स, फर और फीदर्स. तो क्या होता है स्किन एनिमल्स को? एनिमल्स की प्रोटेक्टिव लेयर होती है. नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स. लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन. अब क्या है, आपको एक फिर से पिक्चर दी है जिसमें आपको कुछ एनिमल्स की स्किन दिखाई है और एनिमल्स की पिक्चर दी है. उसमें आपको बताना है कि कौन से एनिमल की कौन सी स्किन है. सो फर्स्ट ये जो स्किन आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है? ये स्किन कौन से एनिमल की है? ज़ेब्रा. ये किसकी है? ज़ेब्रा. और सेकेंड ये किसकी है? लेपर्ड. एंड थर्ड वन इज ऑफ टाइगर. टाइगर की स्किन है ये. और ये किसकी है? स्क्विरल. एंड दिस इज डियर स्किन. ये किसकी है? डियर की स्किन है. सो एनिमल्स हैव डिफरेंट स्किन पैटर्न्स ऑन देयर बॉडी. द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन. हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हूज हेयर हैव बीन रिमूव्ड? क्या आपने कोई एनिमल ऐसा देखा है जिसके हेयर्स ही ना हो या फिर जिसके हेयर्स को
remove कर दिया हो. Imagine how the animals would look if it did not have any hair on its skin. There would be no patterns. आप खुद से कोई imagine करो कि कोई ऐसे animal जिनके skin पे hairs ही ना हो और तो उनके patterns ही नहीं होंगे skin pattern. अब जैसे आपको दिखाए गए हैं ये animals क्या है without skin pattern. विदाउट हेयर तो कैसे लगते हैं ये एनिमल्स विदाउट हेयर. सो हेयर इज अ टेबल फॉर यू. यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो. अब आपको क्या दिया है यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं. पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो. आपको इस टेबल में इन एनिमल्स के नेम को पुट करना है. ईयर्स कैन बी सीन. इनमें से कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं. हैज हेयर ऑन द स्किन. ऐसे कौन से एनिमल्स हैं इनमें जिनकी जिनके स्किन पे हेयर्स होते हैं. और नेक्स्ट है ईयर्स कैन नॉट बी सीन. ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स को हम नहीं देख सकते. हैज फीडर्स ऑन द स्किन. ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी जिनके पास फीडर्स होते हैं. किसके पास होते हैं. बर्ड्स के पास. सो डू इट योरसेल्फ. ये आपका होमवर्क है. आपको ये खुद से करना है. और नेक्स्ट है इन विच लिस्ट Did you put the cow and the buffalo? आप cow को और buffalo को किस लिस्ट में put करेंगे. मतलब ears can be seen, has hair on the skin, ears cannot be seen, has feathers on the skin. इनमें से किस में आएंगे. Animals whose ear can be seen. Cow कैसा है. Cow कैसी है उसके ears को हम देख सकते हैं. So animals whose ear can be seen and have hair on their skin. Cow और buffalo दोनों के पास दोनों के ears को हम देख सकते हैं और उनके skin पे hairs भी होते हैं. So from a distance you can see the hair on their skin. आप कुछ दूरी पे अगर खड़े होंगे तो क्या आप उनके hairs को देख सकते हो. No. Try to go near one of them. Could you see the hair? अगर आप उनके पास जाएंगे तो क्या आप उनके hairs को देख सकते हो. Yes. So students, now our topic is reproduction in animals. There are two main ways of reproduction. One by laying eggs and second by giving birth to young ones. Birds, reptiles and insects lay eggs. जितने भी birds होते हैं insects होते हैं reptiles होते हैं वो सब क्या करते हैं. Eggs lay करते हैं. And some animals give birth to young ones. They feed them and they give them parental care. They are called mammals. ऐसे जो animals होते हैं जो अपने young ones को birth देते हैं और उन्हें feed करवाते हैं उन्हें parental care देते हैं मतलब उनकी उनको parents जैसी care देते हैं तो वो कौन से animals होते हैं. Mammals. Which of the animal in the list give birth to babies. Write their names in the red box. यहाँ क्या करना है आपको. Red box में कौन से animals के नेम लिखने हैं जो कि babies को birth देते हैं. So जितने भी mammals होते हैं वो सब क्या अपने babies को birth देते हैं. जैसे कौन कौन से. डियर, जिराफ, कैट, पिग, बफेलो, एलिफेंट, काउ ये सब क्या है मैमल्स और ये सब क्या करते हैं अपने यंग वंस को
बर्ड देते हैं। और एग्स कौन कौन से एनिमल्स ले करते हैं? जितने भी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, लाइक फ्रॉग, क्रो, स्पैरो, लिजार्ड, एंट, पैरट, फिश एंड डक, ये सब क्या है? जो कि एग्स ले करते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डिड यू नोट? दोज एनिमल्स हूज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जो एनिमल्स जिनके हम ईयर्स देख सकते हैं, उनके हेयर्स भी होते हैं बॉडी पे। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। दोज एनिमल्स डू नॉट हैव हेयर्स ऑन द आउटसाइड, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जो भी एनिमल्स जिनके ईयर्स आउटसाइड नहीं होते, मतलब जिनके ईयर्स हम देख नहीं सकते, उनकी बॉडी पे हेयर भी नहीं होते हैं। दीज एनिमल्स ले एग्स। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो भी एनिमल्स जो जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर्स भी होते हैं और वो अपने यंग वंस को बर्थ भी दे सकते हैं। और जो भी एनिमल्स जिनके ईयर्स को हम देख नहीं सकते, जिनकी बॉडी के आउटसाइड नहीं होते हैं उनके ईयर्स, और उनके पास हेयर भी नहीं होते, और वो एनिमल्स एग्स ले करते हैं। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। क्या पूछा गया आपसे कि आपने कभी अपने घर के या स्कूल के आसपास में ऐसे एनिमल्स देखे हैं जो अपने स्मॉल बेबीज के साथ हो? तो उनके आपको नेम बताने हैं। कौन कौन से होते हैं? कैट, डॉग, उनको हम बेबीज के साथ देखते ही हैं आसपास में। सो नेक्स्ट है, हैव यू एवर केप्ट अ पेट? डज एनीवन यू नो कीप अ पेट? आपने कभी अपने घर पे कोई पेट रखा है? सो नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी है वो उस पेट से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, उसके बारे में बताना है। विच एनिमल इज इट? जैसे अगर आपने डॉग रखा है घर में, तो आपको बताना है कि डॉग डज इट हैव अ नेम? आपको उसका नेम बताना है, आपने उसका क्या नेम रखा। हु गेव इट दिस नेम? ये नाम उसको किसने दिया। व्हाट डज इट लाइक टू ईट? वो क्या खाना पसंद करता है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड? उसे आप एक दिन में कितनी बार खाने को देते हो। व्हेन डज इट स्लीप? वो कितने टाइम तक और कब सोता है। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल? हाउ? उस एनिमल की देखभाल करने के लिए कोई स्पेशल वे है तो और कैसे, वो आपको बताना है। डज इट गेट एंग्री? व्हेन? हाउ डू यू नो इट इज एंग्री? क्या वो कभी एंग्री होता है, कभी उसे गुस्सा आता है? कब? और आपको कैसे पता चलता है कि अभी वो एंग्री है? तो इसमें हम क्या बता सकते हैं? यस, इट गेट्स एंग्री इफ एन अननोन पर्सन एंटर्स द हाउस। इट बार्क्स एट द अननोन पर्सन। अगर कोई डॉग आपके घर में पेट है तो क्या होता है, अगर वो किसी अननोन पर्सन को देखेगा तो एंग्री हो जाता है और क्या करता है, उस पर बार्क करता है। डज इट हैव हेयर और फीलर्स ऑन इट्स स्किन? डॉग के हेयर्स होते हैं, फीदर्स या फिर फीदर्स है उसकी स्किन पे। कैन यू सी इट्स ईयर्स? आप उसके ईयर्स देख सकते हो। इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल? कैसा एनिमल है, बेबी एनिमल है और या फिर फुल ग्रोन एनिमल है? विल दिस पेट एनिमल ले एग और गिव बर्थ टू बेबीज? अगर वो पेट आपका कोई डॉग है, एनिमल है, मैमल है, तो क्या होगा, वो यंग वंस को बर्थ देगा।
बट अगर कोई बर्ड है, आपने किसी बर्ड को रखा है तो क्या होगा, वो एग्स ले करेगा। डज इट हैव यंग वंस? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, गिव इट अ नेम ऑफ योर ऑन चॉइस। आप अपनी चॉइस से उसका कोई नाम दे सकते हो, आपको उसकी कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम। कौन सा एनिमल है ये? टाइगर। टाइगर है। डू यू नो दैट इट दिस इज आवर नेशनल एनिमल? क्या आपको पता है ये हमारा नेशनल एनिमल है? यस। वेयर डज इट लिव? ये कहाँ रहता है? इन द जंगल। टाइगर कहाँ होते हैं? जंगल में होते हैं। द नंबर ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया। इंडिया में क्या हो रहा है? इस एनिमल की संख्या बहुत कम हो रही है। डिस्कस व्हाई दिस कुड बी हैपनिंग। तो आपको डिस्कस करना है कि ये कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। पीपल हंट टाइगर फॉर मैनी रीजंस। क्या हो रहा है कि बहुत जगह पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने शौक के लिए इनको, इनका शिकार कर रहे हैं। कुछ शौक के लिए कर रहे हैं, या फिर कुछ क्या होता है, टू शो ब्रेवरी, अपनी ब्रेवरी को शो करने के लिए। कुछ फॉर बोन, सम पीपल हंट देम फॉर देयर बोन्स। क्या करते हैं? उनकी बोन्स के लिए उनको मार देते हैं। और कुछ क्या करते हैं? उनकी स्किन के लिए। आपने सुना होगा ना, इनकी स्किन से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। सो दीज आर द रीजन जिसके कारण ये टाइगर्स हमारे इंडिया में बहुत कम होते जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टूडे। सो रिवाइज दिस चैप्टर। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।